नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, नाभि, नले, कौड़ी, धरण, पेचुटी खिसकना। बहुत से राज्यों में इसको गोला बनने के नाम से जाना जाता है। आज ये एक ऐसी समस्या बन गई है जो बहुत ज्यादा लोगों में हो रही है और ज्यादातर देखा जा रहा है कि युवा वर्ग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी रिपोर्ट्स में आती नहीं है और डॉक्टर इस बीमारी को मानते नहीं है, लेकिन पेशेंट बहुत ज्यादा इससे पीड़ित रहते हैं। वो समझ नहीं पाता कि उसे हुआ है तो क्या। अगर आपको पेट संबंधित कोई भी रोग हुआ है, आपने टेस्ट करा लिए और आपकी रिपोर्ट में नहीं आ रहा, आपने डॉक्टर को दिखा लिया लेकिन दवाई से भी आराम नहीं आ रहा, तो आप अपनी नाभि, नले, कौड़ी, धरण चेक जरूर कराएं। आपको पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ होती है, ऐंठन होती है, चुभन होती है, ब्लोटिंग होती है, पेट फूलता है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, चेस्ट बर्निंग सेंसेशन होती है, मुंह में खट्टा पानी आता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स रहती है, काफ मसल में पेन रहता है, स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, कई कई दिन मोशन नहीं होता या जब भी मोशन होता है तो पानी जैसा बिल्कुल लूज होता है, तो ये आपको नाभि, नले, कौड़ी, धरण की प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिकल साइंस इन सब बीमारियों को नहीं मानती और ये बीमारी किसी रिपोर्ट में आती नहीं है। हमारी नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। अगर हम इस तरीके से चेक करें, यानी कि सिर से लेकर नाभि की दूरी और नाभि से लेकर पैर की दूरी, तो नाभि हमारे सेंटर में आती है। इसीलिए नाभि को सेंटर पॉइंट भी माना गया है और नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती है जो हमारी बॉडी में अलग अलग कार्य करती है। इतनी महत्वपूर्ण होती है नाभि। अगर नाभि ठीक ना रहे तो हमें बहुत सारे रोग आ जाते हैं। हमारी पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है, हमारा डाइजेशन प्रभावित हो सकता है, हमें भूख नहीं लगती, जिसके कारण से हमें स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन भी हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। समय पर आहार ना लेना, हमारा रूटीन इस प्रकार से कि हम समय पर नहीं खाते। हम नाश्ता करते हैं तो 10 बजे करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं 3 बजे खाते हैं, रात को खाते हैं 11 बजे खाते हैं, खाते ही सो जाते हैं, देर से उठते हैं, जिसके कारण से हमें बहुत सारे पेट संबंधित रोग आ जाते हैं। नींद हम कम लेते हैं। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को 6 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे कारणों से हम देर से सोते हैं या नींद केवल हम बहुत कम लेते हैं और जो नींद आती है वो हमारे टुकड़े में आती है, सपने ज्यादा आते हैं, नींद बार बार खुलती है, ऐसा देखा जाता है। सीढ़ी चढ़ना उतरना, बार बार सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं, जिसके कारण से हमारे पेट पर प्रेशर आता है और हमारी नाभि, नले, कौड़ी, धरण की हमें समस्या हो जाती है। खेल कूद में बहुत बार हमें नाभि की दिक्कत रहती है, हम तेज चल रहे थे, हम रनिंग कर रहे थे, कहीं पैर मुड़ गया और हमारी नाभि प्रभावित हो गई। गैस एसिडिटी के कारण से, अगर गैस एसिडिटी की समस्या ज्यादा दिन तक रहती है तो उसके कारण से भी हमारी नाभि, हमारी कौड़ी की समस्या हो जाती है। हम झुककर ज्यादा काम करते हैं, हम वजन वाला काम ज्यादा करते हैं, जिसके कारण से हमें दिक्कत हो जाती है। पेट में हमें कभी कोई चोट लग गई थी, कोई इंजरी हो गई थी, हम जिम जाते हैं, हम हैवी वेट उठाते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वेट उठाते हैं, उसके कारण से हमें ज्यादा पेट संबंधित रोग होते हैं। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय भी नाभि, नली, कौड़ी, धरण की समस्या हो जाती है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसके कारण से हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम प्रभावित हो जाता है। जिसको भी नाभि, नली, कौड़ी, धरण की समस्या होती है उनमें अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। किसी का पेट बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा हैवीनेस होती है, पेट या तो फूला रहता है, और अगर किसी को नले हो जाते हैं तो पेट फूलता भी नहीं है। मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग, काफ मसल पेन होना, पेट में मीठा मीठा सा दर्द बना रहेगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा। कुछ लोगों का वजन निरंतर कम हो रहा होता है और पेशेंट को समझ में नहीं आता कि उसको क्या हुआ है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले नाभि, नले, कौड़ी, धरण आपको अवश्य ही चेक करा लेना चाहिए। वजन भी बड़ी तेजी से कम हो रहा है तो भी आपको चेक करा लेना चाहिए। भूख बहुत ज्यादा लगने लगी है, बहुत ज्यादा कम लगने लगी है, तो आप जब भी ये समस्या आपको हो सकती है तो आप अपना समय रहते हुए इन सब चीजों को चेक करा ले। जो इन चीजों के एक्सपर्ट हैं उनसे ही आपको ये चेक कराना चाहिए। अनजान व्यक्ति से कभी आपको पेट अपना मतलब चेक करा ले, लेकिन ज्यादा उसको मसलना या ऐसा रगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत सारी दिक्कत और क्रिएट हो सकती है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं चेक करने के। जैसे कुछ लोग हाथों की रेखाओं से चेक करते हैं, कुछ लोग पैरों के अंगूठों से चेक करते हैं, कुछ लोग नाभि से निप्पल की दूरी को चेक करते हैं। जैसे कहा जाता है कि दोनों निप्पल की दूरी समान आनी चाहिए, नाभि पर उंगलियों को इकट्ठा करके
जो पल्पिटेशन है, जो लपडप लपडप साउंड है, उससे पता लगा सकते हैं। अगर ये साउंड ऊपर होता है तो उसको कब्ज होती है, साउंड नीचे आता है तो उसको लूज मोशन, दाएं बाएं होती है तो उसको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी में एक होता है नलों की समस्या। नलों की समस्या जब भी होती है लोअर एब्डोमेन में होती है, नाभि से नीचे होती है, और यहाँ बहुत ज्यादा हैवीनेस होता है और ऐसा लगता है टच करने पे कि या तो पेन बहुत ज्यादा होगा या ऐसा लगेगा कि पत्थर बन गया है। और जिसको नलों की समस्या होती है उनको काफ मसल पेन बहुत ज्यादा रहता है, पिंडलियों में दर्द रहेगा, पिंडली सख्त हो जाती है। ऐसे ही होता है कौड़ी की समस्या। कौड़ी की समस्या जब भी होगी इस वाले पोर्शन में होगी, यहाँ जो दो पसलियां, ये रिब्स मिलती है हमारी, ये जो पसलियां है यहाँ जो ये वी बनता है, यहाँ स्टर्नम बोन होती है, यहाँ पर आकर हम चेक करें तो यहाँ बहुत ज्यादा हैवीनेस रहती है, एक मटर के दाने के जैसे उभरा हुआ जैसा भाग हमको नजर आता है। और व्यक्ति जब सुबह सोकर उठता है तो मुंह में उसको झाग जैसा नजर आता है, उसको उल्टी जैसी फीलिंग्स होती है, पेट में दर्द, मरोड़, ऐठन, चुभन, ऐसे लक्षण निरंतर देखने को मिलते हैं। तो ये होती है नाभि नले कौड़ी धरण की समस्या। अगर आपको पेट की कोई भी समस्या हो रही है, रिपोर्ट्स में नहीं आ रही है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे, तो बिना समय गवाए आपको इन चीजों को चेक करा लेना चाहिए। और तुरंत ही अगर चेक करने में पता चला कि आपको नाभि नले कौड़ी धरण की कोई भी समस्या हुई है तो एक्सपर्ट से अपना ट्रीटमेंट आप अवश्य करा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को जरूरी दबा लें जिससे कि जो भी वीडियो हेल्पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।